गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस 24/7 पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि रोज सुबह 10 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो घड़ी में फिर सुबह के 10 बज चुके हैं और साहिल सर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस 24/7 पर। जितने भी लोग आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुस्कान जी गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा प्रज्वल हरपल, मैथ्स की क्लास होती है 12 बजे, एकता जी जय हिंद, जय हिंद कपिल, सभी को भाई, सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबका स्वागत है मेरे दोस्त। जितने भी लोग आ चुके हैं, हो सकता है मैं सबका नाम ना ले पाऊं, क्योंकि नाम का आपको भी पता है बहुत सारे एकदम से कमेंट जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो नाम तो मैं एकदम नहीं ले पाता, लेकिन सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सर आपने मेरा मैसेज नहीं देखा है, मेरा मैसेज नहीं दिख रहा, सबका मैसेज मुझे दिख रहा है, अच्छे से मैं देख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, चलिएगा भाई। तो पीछे अब कितने पेपर्स कंप्लीट हो गए, याद है किसी को नंबर ऑफ पेपर्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं अब तक? अब तक हमने कितने पेपर्स लगा लिए और आज कौन सा पेपर लगाएंगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नाम ही नाम बस है ना। चलो बताओ भाई, आज ऋषभ भी यही है, अट्ठारह हो चुके हैं, आज 19वां है मेरे दोस्त, है ना। 18 पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 18 पेपर्स को हमने डिस्कस कर लिया, 19वां पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 19वां पेपर आज होने वाला है। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ, शुरुआत करें, तो उससे पहले कुछ जान लेते हैं पेपर के बारे में कि वाकई में आज क्या 19वां पेपर है या कुछ और है। तो सबसे पहले अगर आपने देखा तो आपको दो तीन चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो पहले की है कौन सा एफकेट चल रहा है, एफकेट फर्स्ट 2022 के लिए हमारी तैयारी चल रही है, कमर कस चुके हैं और आज से नहीं, हम कई महीने पहले ही कमर कस लिए थे कि अब 2022 को टारगेट करना है, और जितने लोग उस प्रिपरेशन में लग गए थे अब तक उनको अपना एक लेवल अलग दर्जे पे दिखाई दे रहा होगा, और जिस अगर आप दूसरे से पहले दौड़ना स्टार्ट कर दियो तो बीच में रुक के थकान दूर करने का कोई मतलब नहीं है, बीच में रुक के आराम करने का कोई मतलब नहीं है, रुकेंगे तब जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे, वरना वही आपको पता है कि खरगोश सो जाएगा और कछुआ निकल जाएगा, है ना। तो अगर खरगोश बन के आपने तेज दौड़ना स्टार्ट कर दिया था तो अब उस कहानी से ये सीख तो मिलती मिलती है कि धीरे धीरे चल के कछुआ आगे निकल गया था, उस कहानी से एक और सीख मिली थी कि खरगोश को रुक के आराम नहीं करना चाहिए था, तो वो चीज़ आपको अपनानी है। अगर आप पहले ही दौड़ने निकल चुके हो तो रुक के आराम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रुकना वहीं है जहां मंजिल मिल जाए, उससे पहले नहीं रुकना है, ठीक है, चलिएगा। पता ही नहीं 18 कब हो गए, चलो बाकी रीजनिंग रोज हर रोज सुबह 10 बजे चल रही है, हर एक चैप्टर को हर दिन कवर करने का भी अपन प्रयास कर रहे हैं, और 30 कंप्लीट पेपर में से आज 19वें पेपर की तरफ हम लोग दौड़ चुके हैं। जिसने अभी तक ये पेपर सारे ना देखे हो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे दोस्त, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अपने सेशन की तरफ, और ये वो सारे के सारे नाम हैं जिन्होंने होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे, है ना। ये सर मेरी दूसरी आईडी, दूसरी क्लास है, अच्छा दूसरी क्लास, ओके चलिएगा भाई। चलो देखो, ये आपके वो सारे लोग हैं जिन्होंने होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं, नाम आप सारे लोग देख पा रहे होंगे लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मेरे फिर देखने को मिली कि कल आते आते होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर देने वालों की जो संख्या थी वो काफ़ी कम हो गई थी, तो कहीं ना कहीं फिर वही है कि जो एक होता है ना कि दो दिन कोई मोटिवेशनल सी चीज़ देखी तो एकदम एनर्जी बढ़ गई, करना है अब करना है, और दो दिन के बाद फिर धीरे धीरे डिम पड़ गए, तो ये डिम मत पड़ा करो, बार बार कोई जगाएगा नहीं, ठीक है, किसी बार सो गए तो फिर कोई उठाने वाला नहीं है, तो कोशिश करो कि अपने आप को खुद जगा पाओ। ये क्वेश्चन देखने को मिला था आपका, है ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, अगर हम बात करें तो प्रश्न के रूप में। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन पे, डार्क वाली जो फिगर आपको दिख रही है वो यहाँ पर दिख रही है, ये आपकी डार्क वाली फिगर है कुछ इस जगह पे, दूसरी वाली फिगर में यहाँ पर दिख रही है, ये डार्क वाली फिगर सेकंड वाली फिगर में, सेकंड में अगर चेक करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि इनके बीच का जो कोण है वो 135 डिग्री बन रहा है। तो थर्ड वाली फिगर में अगर ये डार्क वाली फिगर यहाँ देखने को मिल रही है इस जगह पे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो जब 135 डिग्री घूमेगी तो कहाँ देखने को मिलेगी आपको, मैं एक बार इसको दोबारा से बना दूँ, थर्ड वाली फिगर में यहाँ पर अगर मेरे को देखने को मिल रही है, इस जगह पर अगर मेरे को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो 135 डिग्री घूमने के बाद ये 45 यहाँ आ जाएगा और 90 डिग्री नीचे, तो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। अगर नीचे देखने को मिलेगी तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, बाकी कोई और आंसर नहीं होगा, या तो ए आंसर होगा या तो ई आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं अनशेडेड वाली फिगर, अनशेडेड वाली फिगर यहाँ थी, नेक्स्ट फिगर के अंदर यहाँ गई, तो ये 135 डिग्री ऐसे घूम गई, ठीक है, तो अगर ऐसे 135 डिग्री घूमी है तो ऑब्वियस ये चीज़ें नेक्स्ट वाली फिगर में यहाँ पर है, तो 135 डिग्री घूमने के बाद कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ देखने को मिलेगी, तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ठीक आंसर होगा, फिफ्थ वन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पाँचवा वाला बिल्कुल सही आंसर है, जय हिंद राखी जी, ठीक है।
तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ई, फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है, चलिएगा भाई। 26 पे बात कर लेते हैं, आप चलते हैं सीधे आज के सेशन की तरफ। तो जल्दी से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो दोस्त, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं कर रखा है वो लोग लाइक कर लें, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर सकते हैं, और जिन्होंने शेयर नहीं किया भाई शेयर करके आ जाओ जल्दी से जाके, कहीं ना कर सको अपने व्हाट्सएप पे लगा लो, बाकी फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां भी आप जुड़े हुए वहां शेयर कर सकते हो, सबको बता सकते हो, सबको बुला सकते हो। और जितने भी नए लोग जुड़े हों वो बाकी कुछ मत करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, आपको सारे अपडेट सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे चैनल के। गुड मॉर्निंग पायल जी, चलते हैं अपने सेशन की तरफ और पहले प्रश्न पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग राखी जी, चलिएगा भाई आंसर बताइए क्या आ रहे हैं। चलिएगा भाई जल्दी से आंसर बताइएगा। लाइक बराबर लाइक बिल्कुल कर सकते हो अपने आप से। ऑप्शन नंबर बी ग्रीफ, बताते हुए चलो क्या बन रहा है। बी आ रहा है एंटोनियम्स। बी सर क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे दोस्त, देखो ना क्या है ये प्रज्वल, सबके आंसर भी आ गए मेरे दोस्त, तुम क्वेश्चन की बात करते हो, देखो यार क्या बन रहा है। जय हिंद साक्षी जी। प्रिवी सीक्रेट ये होता है किसी को कोई कोई राज की बात, रहस्य की बात, कोई सीक्रेट किसी के साथ शेयर करना, किसी के साथ सीक्रेट को शेयर करना, वो आपका प्रिवी में आ जाता है। सिंपैथिक की अगर हम बात करें, सिंपैथेटिक की अगर हम बात करें, तो ये किस में आता है आपका, कि कभी खेद व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना कहलाता है, और उसका मतलब क्या होता है, ग्रीफ होता है, ठीक है। खेद का मतलब आपका किस में आ जाएगा, ग्रीफ में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। गुड मॉर्निंग मुस्कान, आगे चलें, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकंड वन की तरफ चलते हैं। प्रिवी इज शेयरिंग इन अ सीक्रेट एंड सिंपैथेटिक इज शेयरिंग अ इन ग्रीफ, सेकंड का आंसर करिएगा। इसका आंसर बताइएगा दोस्त। प्रज्वल जो क्वेश्चन तुमने दिया था उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जाएगा आंसर में, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो या तो वो किसी बुक का क्वेश्चन हो तो मेरे को उस बुक का फोटो भेज देना, ठीक है, जहां कंप्लीट क्वेश्चन दिया हो, और अगर वो किसी ने भेजा है व्हाट्सएप फेसबुक से उठाया तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, उसके पीछे लाइन होगी। क्वेश्चन मेरे को बता देना, मैं कंप्लीट क्वेश्चन भी भेज दूंगा, मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन भी है उसका, ठीक है, वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो जहां से लिया हो, अगर किसी बुक से लिया हो तो मेरे को उस बुक का फोटो जरूर दे देना, और वरना व्हाट्सएप फेसबुक वाला हो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन पर टाइम मत खराब किया करो, कोई भी वर्ड डाल के कंफ्यूज करेगा, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी स्किप, काफी सारे लोग डी बता रहे हैं, काफी सारे लोग स्किप बता रहे हैं, हैं? स्किप वाले तो बहुत है। पैलेट बोलते हैं आपका किसको, धुंधला, एक फीका पड़ जाना, मतलब धुंधला पड़ जाना, जो क्लियर ना विजिबल हो, कलर का मतलब क्या, फेड हो जाना, कलर कहते हैं ना कि कलर जो हो गया, टी शर्ट का कलर चला गया, उड़ गया, फीकी पड़ गई, मतलब रंग उड़ गया, तो उस तरीके का आपका कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें आपका टेक्टल्स, टेक्टल्स बोलते हैं आपका अव्यवहारिक, मतलब जो यार जिसके अंदर डिप्लोमेटिक, जो डिप्लोमेटिक ना हो, डिप्लोमेटिक ना हो, उसको नहीं पता होगी कैसे क्या करना है, जो डिप्लोमेटिक ना हो, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फोर्थ वन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा आपका। पैलेट मींस लैकिंग इन कलर एंड टैक्टाइल्स मींस लैकिंग डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी में लैक होना। सो ऑप्शन नंबर डी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे ठीक है, और जिनका इसके पा रहा था होप सो उनको भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ, चलिए थर्ड वन का आंसर करते हैं, थर्ड का आंसर बताइएगा दोस्त कितना बन रहा है।
गुड मॉर्निंग काजल जी, इसका आंसर बताइएगा क्या बन रहा है। नेक्स्ट वन, ये दिन का रात मत लगा देना कि दिन दे रखा है यहां पे, रात मतलब डार्क आ जाएगा, ये लॉजिक मत लगा लेना, दिमाग तुम्हारा बहुत चलता है मुझे पता है, हैं? तो थोड़ा लॉजिकल आंसर दे पाओ तो देना, वरना राइमिंग मत सेट करने लगना कि दिन मतलब उजाला, डार्क मतलब अंधेरा, ये लॉजिक मत लगाने लगना। ऑप्शन नंबर सी क्राउड, ऋषभ का आ रहा है क्राउड, बाकी सी वाले काफी सारे आ रहे हैं, स्किप 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 भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, हिमांशी का ए आ रहा है, ऋषभ का ए आ रहा है, क्राउड होगा, ओके, मुस्कान का ए आ रहा है, चलो देख लें फिर क्या बनेगा। ए क्राउड, वरुण का क्राउड आ रहा है, ए आ रहा है, राखी का ए आ रहा है, रिया का ए आ रहा है, चलो चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बन रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखा ऑडोर गार्बेज, मतलब ये किससे रिलेटेड है आपका, जो कूड़ा कचरा सा पड़ा रहता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ऑडोर। और वहीं अगर हम दिन की बात करें तो ये आपका नॉइस से रिलेटेड होता है, शोर से रिलेटेड होता है, जो क्राउड पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। वर्ड एसोसिएट विद क्राउड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, और ऑडोर इज अ वर्ड एसोसिएट विद गार्बेज, जो गार्बेज से रिलेटेड होता है, और ये आपका डिन जो होगा वो क्राउड से रिलेटेड होता है। तो ये डार्क वाले जितने थे इनका लॉजिक बहुत ज्यादा डार्क में था, तो इसको हटा के आगे चलते फोर्थ वन की तरफ। फोर्थ का आंसर करिएगा, ए हो सकता है, हमें लगा ए होगा, क्यों, इसका बताओ कितना बनेगा दोस्त। नेक्स्ट वन का आंसर, गुड मॉर्निंग अजय, इसका आंसर बताओ, बॉन्ड बोस्ट स्क्वायर, बॉन्ड का रिलेशन बोस्ट से दे रखा है, स्किप, बिल्कुल पायल करेक्ट लॉजिक है, ये भी स्किप, ऑप्शन बी आ रहा है आशीष का, स्किप, इतने स्किप आएंगे, चलो भाई देख लेते हैं क्या। बॉन्ड का बूस्ट रिलेशन, बॉन्ड बूस्ट जानते हो क्या होता है, मतलब अपनी शेखी अपने आप बखाना, अरे मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो, मैंने ये कर दिया था, मेरे तो इतने नंबर आए थे, मेरा तो ये हुआ था, मेरा तो वो हुआ था, मेरे तो 20 में से 25 आ गए थे, है ना, वो उनको 5 नंबर फिर दिखाने के लिए हटाने पड़े, 20 ही लिख के दिखाए उनने, तो बहुत ज्यादा अपनी जो डींगे मारते हैं उसको बोलते हैं आपका। टू बॉन्ड मीन्स टू बूस्ट, एंड सिमिलरली स्क्वायर की अगर हम बात करें, स्क्वायर का मीन्स होता है आपका क्रिटिसाइज करना, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड वन इज द राइट आंसर, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलें आगे की तरफ, 250 वाली वीडियो कब लेकर आओगे, 250 वाली वीडियो में तभी लेकर आऊंगा जब आप 250 लोग मुझे यहाँ दिखाई दे जाओ, 250 दिख जाओ, मैं 250 ले आता हूँ। चलते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आंसर बताओ इसका। जय हिंद सूरज जी, इसका आंसर बताओ क्या बन रहा है दोस्त। इसका आंसर क्या बनेगा, ब्रेक का रिलेशन शिफ्ट से दे रखा है, मिनट का रिलेशन किससे बनेगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, राधिका का बी आ रहा है, लाइक बराबर लाइक्स कर दो सभी, हाँ बिल्कुल यार देखो कर सकते हो, अगर देख रहे हो आप और आपके फोन में आपको लगता है अभी तक लाइक वाले बटन पे हमने प्रेस नहीं किया, तो ऑड नंबर्स में कर सकते हो जल्दी से सारे के सारे लोग। सर आज आप बढ़िया सवाल लाए हो, अच्छा आज मैंने ना फ्राई भी कर लिए थे, रोज ऐसे ही ले आता था, आज प्याज व्याज काट के थोड़ा जीरा वीरा डाल के फ्राई कर दिए थे, तो बढ़िया हो गए होंगे और अच्छे लग रहे होंगे, है ना, तो इस चक्कर में। और आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वन, सेकंड, स्किप, चलो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्रेक का शिफ्ट बन रहा है, ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ शिफ्ट, ब्रेक किसका पार्ट होता है, शिफ्ट, शिफ्ट का पार्ट होता है, वैसे मिनट किसका पार्ट होता है, आपके आवर का पार्ट होता है, मिनट जो होता है वो आवर का पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड वन इज द राइट आंसर, मिनट जो है वो आवर का पार्ट है, तो
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। चलते हैं भाई आगे की तरफ, नेक्स्ट वन को टारगेट करें। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके बैचेस वैचेस आ चुके हैं और एक और नया सुपरसोनिक बैच आपका एफकेट का आ रहा है, एक और नया सुपरसोनिक बैच आपका एफकेट का आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो उसको परचेस करना तो मैं आपको स्टोर पर उसको अभी दिखा दूंगा लास्ट में। Y274 ये कूपन कोड आपको याद होगा जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिला देगा अड्डा 247 में, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको दिला देगा 78%, और तुरंत जाके आप परचेस कर सकते हो। चलिएगा इसका आंसर बताइएगा नेक्स्ट वन का, है ना। बताओ भाई, जापान, इंडिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी, सबका डी बन रहा है, सारे डी वाले हैं। देखो यार, जापान है, इंडिया है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है, तो कैसे डी आ रहे हैं? एक्सेप्ट न्यूजीलैंड, ऑल आर एशियन कंट्रीज। इंडिया होगा यार, न्यूजीलैंड का है बता रहे हो? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इंडिया के अलावा बाकी सारे के सारे आपके क्या है? आइसलैंड हैं। वाइल इंडिया क्या है? इंडिया आपकी पेनिनसुला है। इंडिया के अलावा बाकी सारे के सारे आइसलैंड हैं। दो लॉजिक हैं क्वेश्चंस में। हाँ बिल्कुल, दोनों हैं। इंडिया आइसलैंड नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन की तरफ चलिएगा। बिल्कुल करेक्ट है ऋषभ, बिल्कुल करेक्ट है। इसका बताइएगा भाई, सेवंथ का डी आ रहा है, सारे के सारे डी वाले, माइक्रोफोन। इसका तो एकदम कर दोगे ना, ऐसा क्वेश्चन का तो इंतजार कर रहे होगे कि कब मिल जाए जहां पढ़ के आंसर निकाल पाए, दिमाग तो चलाना ही नहीं है। इसको तो बस देखा और उत्तर तुरंत आ गया होगा। कि स्पेक्टेगल्स की अगर हम बात करें, गोगल्स की अगर हम बात करें, वेनाकुलर्स की अगर हम बात करें, और टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, सारे के सारे किससे रिलेटेड है? आंखों से रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड है। वहीं अगर हम बात करते हैं माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन थोड़ी ना आंखों से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फोर्थ वन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। डी वाले सारे ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इर्थ पे चलते हैं। इर्थ का आंसर बताइएगा, सहनाई है, बैकपाइप है, फ्लूट है, सितार है, हारमोनिका है, क्या आंसर बनेगा बताओ। नेक्स्ट का आंसर बताओ क्या बन रहा है, या शहनाई है, बैकपाइप है, ब्लू फ्लूट है, सितार है, हारमोनिका, माइक्रोफोन होगा इसका आंसर। चलिए माइक्रोफोन मान लिया हमने आंसर, अब आगे वाले पे आ जाए थोड़ा सा। लकी का बी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ये इस चक्कर में बी मत दे देना कि बी हमने सुना नहीं, बी हमें थोड़ा अलग लग रहा है सर, बाकी सुन रखिए, लॉजिक लगा लेना कोई। एर्थ का सी आ रहा है, बी होगा और सी होगा और डी होगा, डी भी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, सारे आंसर्स आ चुके हैं, बी सी डी, ई वाले भी आ जाओ, कोई ए और ई बच रहा है मेरे लाल, कोई है? सितार को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके विंड इंस्ट्रूमेंट हैं। वाइल सितार इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, सितार स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है, बाकी सारे के सारे आपके विंड इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फोर्थ वन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट का आंसर करिएगा। जय हिंद हर्षिता जी, इसका आंसर बताओ क्या बनेगा।
इसका क्या आ रहा है? चीता, लायन, बियर, टाइगर, लेपर्ड, सी आ रहा है, सबका सी बनेगा, नाइन्थ का सी। चर्चा कर लें, देख लें, देखो यहां पे बाकी सारे के सारे आपके कैट की फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी, सो बियर इज द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट आंसर। बाकी सारे के सारे कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो टेंथ का आंसर बताइएगा, शीप है, गजल है, आइबेक्स, श्रू और तापिर। बियर पीते हैं बाकी नहीं पीते, अच्छा और कुछ तो बचा नहीं तुम्हारे पास पीने को है। बियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैट फैमिली, हाँ बियर विक्की कौशल की फैमिली से है ना। चलो इसका उत्तर बताओ, स्किप, टेंथ का बी और स्किप आ रहा है। देखो भाई क्या बनेगा इसमें, अगर लॉजिक लगा पा रहे होगे तो आंसर तो आ ही रहा होगा। गजल को छोड़ के बाकी सारी के सारे जो एनिमल्स हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं? माउंटेन्स पे, माउंटेन्स पे मिलेंगे, शीप हो, एवेक्स हो, सारे के सारे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड वन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी वाले सारे के सारे ठीक है, जिनका बी आ रहा है वो सभी ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करूं तो यहां तक अपन ने वर्बल को कवर कर लिया, अभी नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे, नॉन वर्बल की चीजों को भी देखते हुए चलेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी बन रही हो तो मुझे बताओ, और नहीं बन रही है तो जितने देख रहे हैं उतने लाइक जल्दी से कंप्लीट हो जाने चाहिए वीडियो पे। लाइव और लाइक का आंकड़ा बराबर हो और ज्यादा होगा तो चलेगा, क्योंकि पहले के जो लोग कर गए थे, लेकिन बराबर से कम ना रह जाए, जल्दी से लाइक कर लो सारे के सारे लोग, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट वन की तरफ चलें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी भी अड्डा 247 का एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड नहीं किया है तो अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और जाकर लिखो अड्डा 247, जाकर लिखो अड्डा 247। जैसे ही इसको लिखोगे तुरंत आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे एग्जाम के नोटिफिकेशन हो गए, एग्जाम के नोटिफिकेशंस हो गए, करंट अफेयर्स हो गई, उसके अलावा जॉब के अलर्ट्स हो गए, उसके अलावा आपके एक पीडीएफ्स हो गई, और सबसे बड़ी चीज आपका ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कुछ भी इनका कोई भी पैसे आपको नहीं देने, और उसके अलावा आपके ये सारे के सारे क्या हो गए, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। तो ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा अड्डा 247 की एप्लीकेशन पर, तो जल्दी से जाओ और डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा वहां से भी क्लिक कर सकते हो, वरना गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट टाइप कर भी कर सकते हो। तो चलते हैं आगे अपने सेशन को कंटिन्यू करते हुए, इसका आंसर करिएगा अर्थ, सी और सन। चलिए बहुत बढ़िया, तो सबको लेके आते हैं फिर, है ना, आज क्रिसमस वहीं मनाते हैं। थैंक यू सो मच राधिका जी, इसका आंसर बताओ सारे लोग जल्दी से यार। ऋषभ कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या हुआ भाई हमें भी बताओ, कुछ खबर नहीं है। ऑप्शन ए, सबका ए आ गया, अर्थ, सी और सन दे रखा है, ये अर्थ हो गई, अर्थ बोले तो पृथ्वी, सी अर्थ पे ही है, सन जो है वो डिफरेंट है। टोटल अगर आप सारे लगा लोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिएगा भाई नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, 12 की तरफ, ऋषभ का सीडीएस क्लियर हो गया, चलिए भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ, और आगे और बेहतर करना है ना, बहुत शानदार यार दोस्त, और बेहतर करो आगे जाके, बिल्कुल मतलब काम जो करना है टॉप का ही करना है ना। सो एफकेट भी तुमने बेहतर स्कोर से क्लियर किया था, तो अब सीडीएस की भी बारी है, तो बहुत अच्छी बात है, जो कॉन्फिडेंस लेवल्स है वो अपने आप बढ़ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा एग्जाम्स में अलग, है ना। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर,
इसका आंसर बताइएगा 12 का, डी आर है। देखो भाई यहां पे क्या बन रहा है, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी एक खेल है, फुटबॉल एक गेम है, और क्रिकेट एक अलग गेम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फोर्थ वन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी वाले सारे के सारे ठीक है, जितने लोगों का डी आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, 13 का आंसर करते हैं। प्रश्न संख्या 13, उत्तर बताओ यार 13 का कितना आएगा। 13 का डी ओनली, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर करके चलो आप जरा जल्दी से। बताओ यार कितना रहा, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सबका सी आ रहा है, सारे के सारे सी वाले हैं। देख लेते हैं सी बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यहां कह रहा है विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल हु आर प्लेयर एंड कोच बोथ, वो लड़कियां जो प्लेयर भी हैं और कोच भी हैं। तो प्लेयर और कोच और लड़कियां तीनों हैं, तो तीनों में जो कॉमन होगा मतलब वो सर्कल का पार्ट होना ही होना चाहिए, मतलब वो ट्रेंगल का पार्ट होना ही होना चाहिए, मतलब वो स्क्वायर का पार्ट होना ही होना चाहिए। तो आर आएगा, आर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर, थर्ड वन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्लियर है ना सबको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल ठीक आ रहा है, सबका ठीक है जितने भी सी वाले हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 14 का आंसर बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ यार। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, बी बन रहा है 14 में, सबका बी आ रहा है। अगर आप इसको कंप्लीट करते हो, इसको बनाते हो, तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगर हम देखें इस पे, अगर आप ए में देखते हो तो ए में आपको कुछ ऐसी फिगर मिल रही है, ऐसी फिगर मिल रही है, बट आगे की फिगर नहीं मिल रही है। बी में अगर मैंने देखा तो मुझे ये वाली कर्व मिल रही है, फिर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिख रही है ये वाली, उसके बाद एक लाइन ये भी दिख रही है और ये भी दिख रही है, कंप्लीट फिगर दिख रही है मुझे बी के अंदर। सी में नहीं है, डी में नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर, सेकंड वन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है ना, करेक्ट आंसर बता रहे हैं बी। 15 की तरफ चलते हैं, 15 का आंसर करके चलिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 15 नंबर प्रश्न का उत्तर कितना होगा। एफ कैट नहीं होता दोस्त, एफ कैट होता है, एफ कैट ठीक है। सो एज अपनी देख लो, एज आपकी कितनी हो रही है, देन एलिजिबल हो आप ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली एलिजिबल हो आप ठीक। चलो 15 का डी आ रहा है, सबका सी आ रहा है, स्वप्निल का, स्वप्निल सी क्यों आ रहा है तुम्हारा। हाँ सी क्यों आ रहा है, देखो अगर हम बात करें तो इस वाले प्रश्न पे ए में तो कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि ए में ये मिड वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा। अच्छा बी में अगर मैं बात करूं तो कहीं नहीं दिख रहा, सी में अगर मैं बात करूं तो ये वाली लाइन गायब है। अच्छा डी में अगर मैं बात करता हूं तो ये लाइन भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, इसके अलावा ये इतनी ये वाली भी मिलेगी, और बाकी जो बन रही है रिमेनिंग वो भी मिल जाएगी। सो डी वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, फोर्थ वन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो अपने सी में ये वाली लाइन गायब है ठीक है, इसलिए आंसर नहीं होगा।
नेक्स्ट पे मूव करते हैं 16 की तरफ। 16 का आंसर बताना क्या बन रहा है, 16 नंबर। आई एम इन 11th, तो दोस्त वाई ग्रुप के लिए जाओ, एनडीए के लिए जाओ। कल नोटिफिकेशन आ गया एनडीए का, एफ कैट में तो अभी समय है। हाँ, अगर आपका एम एफ कैट है तो तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो स्क्वायर ऊपर है वो नीचे बन गया, ठीक है। जो डी वाला ऊपर है वो नीचे बन गया, तो अब जो फिगर ये वाली ऊपर है ये नीचे बनेगी, और ये फिगर अगर नीचे बनेगी तो ये इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने लोगों का थर्ड आ रहा है वो सारे के सारे ठीक है, जितने लोग सी बता रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है, सी बिल्कुल ठीक है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट वन पे चलते हैं, 17 का आंसर करते हैं। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बताओ हमको कितना बनेगा, 17 का उत्तर कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। सेवनटीन का ए आ चुका है हर्षिता का, ए आ रहा है श्रवानिया का। अनमोल का बी आ रहा है, बी कैसे बन रहा है। कोई भी फिगर पहले चेक कर लो, लाइक अगर मैं बात करूं इस सर्कल की, तो ये सर्कल तो आपका डायगोनल में जा रहा है, पहले यहां था फिर मिड में गया, मिड के बाद इस कॉर्नर पे गया, फिर उसके बाद फिर से इस कॉर्नर पे आया, फिर यहां से मिड में गया, अब यहां पे मिलेगा, इस कॉर्नर पे मिलेगा, तो ये आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है। ए डी और ई में से कोई भी आंसर हो सकता है, या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा या तो ई होगा। ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई। ये जो सर्कल वाला फिगर है ये सिर्फ डायगोनल में आपके ऐसे ही बढ़ती हुई जा रही है, एक बार मिड में, एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर मिड में, फिर ऊपर, यही जा रही है, यही शिफ्ट कर रही है। तो ये लाइन तो समझ में आ गई होगी कि इस बार सिर्फ और सिर्फ यही कॉर्नर पे मिलेगा, और कहीं मिलने के चांस नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेंगल की, तो ट्रेंगल पहले 1 और 1 2 यहां पहुंचा, फिर 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 1 और 1 2 ऊपर पहुंचेगा। मिड में चाहिए ट्रेंगल, अगर मिड में चाहिए तो इसको नमस्ते, इसको नमस्ते, और ए वाला बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ए जितने लोगों का आ रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ, हाँ कि ना, सारे सबको क्लियर है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करें, क्या चक्कर है, इसको करो यार पहले, इसका आंसर बताइएगा 20 नंबर का। जैन समीक्षा, इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ, एटीन का डी, 20 का बताओ, 20 का डी आ रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, काफी सारे सी वाले हैं, काफी सारे डी वाले हैं। इस पे बात कर लेते हैं, देखो अगर आप इसको कंप्लीट करने जा रहे हो, इस फिगर को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो,
तो सिंपल सा फंडा है। एक तो ये ट्रेंगल चाहिए अपने को, तो इसमें है, सब में है ये वाला ट्रेंगल, बट सेकेंड लाइन जो चाहिए वो यहां से चाहिए, ये वाली, क्योंकि ये वाला ट्रेंगल भी कंप्लीट करना है। तो अगर ये लाइन चाहिए तो इसको नमस्ते, इसको नमस्ते, नहीं सी तो ठीक है यार, डी गड़बड़ होगा, सी ठीक है, डी गड़बड़ होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, सी ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर, डी गलत होगा। सी करेक्ट जा रहा है, डी गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये वाली लाइन जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ सी में थी, बी में भी, बट बी में एक मिड में लाइन दे रखी है जो नहीं चाहिए थी, इसलिए सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसमें उल्टी लाइन दे रखी है, अपसाइड से दे रखी है, तो ये गड़बड़ होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं 21 की तरफ और 21 पे बात कर लेते हैं, इसका आंसर करो। सी इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, सी वाले सारे ठीक हैं, है ना, सी वाले सारे ठीक हैं। वन सिक्सटी के आसपास देख रहे हैं, क्यों सर, सेम वाला ही तो बनेगा, सेम वाला मतलब कौन सा मैम, सेम वाला कौन सा बताइए आप। जो ऊपर वाली फिगर है, इस वाली फिगर की मिरर इमेज आपको यहां पे दिख रही है, इस वाली फिगर की मिरर इमेज आपको यहां पर दिख रही है, इसकी मिरर इमेज यहां दिख रही है, तो इस वाली फिगर की मिरर इमेज यहां दिखेगी। एक लाइन जैसे यहां से यहां जा रही है तो वो लाइन यहां से यहां जाएगी, एक लाइन जैसे यहां से यहां जा रही है मिड में तो वो लाइन मिड में जाएगी, एक मिड से यहां जा रही है एक यहां जाएगी, ऐसी फिगर कहां पे दिख रही है आपको, सी में दिख रही है। इसमें डी में लाइन जो है उल्टी है, इसलिए डी नहीं बनेगा, सी बनेगा। दोनों सेम कौन सा बताइए, दूसरा कौन सा सेम लग रहा है आपको, कैसे सेम लग रहा है, ये लाइन आपको यहां से जाती हुई दिख रही है, उल्टी लाइन है ये वाली, मिड वाली जो लाइन जा रही है, ये इस टाइप की लाइन चाहिए, कैसे पॉसिबल होगा डी वाला। ऊपर हाफ में सेम ही तो बना, ऊपर हाफ में कौन सा सेम बता रहे हो, कौन सा समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे भाई। ये लाइन इसमें क्लियरली मेंशन हो रही है, ये वाली लाइन चाहिए तुमको, जैसे ये लाइन गई है यहां पे, इस वाली फिगर की मिरर इमेज यहां पे दिख रही है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो यहां पे जो बनेगा वो इस वाली फिगर का मिरर इमेज बनेगा, तो ऑब्वियस सी चीज है कि जैसा इसमें दिख रहा है वैसा दिखाई देगा, तो इसके ब्याप पे आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऊपर की फिगर का नीचे फिगर सेम क्यों होगा, एक चीज बताओ ना, ऊपर वाली फिगर में ये ट्रेंगल बन रहा है, ये इस वाली फिगर में ये ट्रेंगल बन रहा है, बट ऊपर वाली फिगर में ये नीचे वाला ट्रेंगल बन रहा है, ये यहां बन रहा है क्या नीचे का ट्रेंगल, ऐसा ट्रेंगल यहां दिख रहा है तुमको बनता हुआ, इस वाली फिगर में दिख रहा है तुमको ये नीचे बनता हुआ ये वाला ट्रेंगल, हमको तो नहीं दिख रहा, तो ऊपर वाली फिगर से इसका क्या लेना देना होगा ये बताओ हमको, ऊपर वाली फिगर से क्या लेना देना होगा, ऊपर वाली फिगर का सेम नीचे है ही नहीं, ऊपर वाली फिगर का सेम नीचे है ही नहीं, सेम होता तो इसमें दो ट्रेंगल बन रहे हैं, ऊपर एक नीचे, यहां पर दो ट्रेंगल बन ही नहीं रहे, कैसे कह सकते हो कि ऊपर वाली फिगर नीचे बन रही है, ऊपर वाली फिगर तो बहुत डिफरेंट है नीचे से। इस पे आओ, इसको करिएगा, बाद में बताइएगा क्या कहना चाह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ज्यादा कुछ, है ना। मिरर इमेज का लॉजिक लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया है, सेम यहां पे भी लग रहा है, नीचे वाली की मिरर इमेज मैंने बता दी मेरे लाल, सी में बन रही है, डी में नहीं बन रही है। इस वाली फिगर का अगर आप बनाओगे तो यहां पर तो सिंपल था कि इसको नमस्ते, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वन इज द राइट आंसर, बी वाले सारे के सारे ठीक है, बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो 22 का आंसर करिएगा, 22 का आंसर कितना आ रहा है, ओके 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 ओके,
इसका आंसर बताओ। बिल्कुल सेम होगा रचना जी, वो तो मैंने खुद ही बताया था। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा है? देखो इसमें क्या बन रहा है, अगर अपन बात करें यहाँ पर, अब समझ लेना इसको, निगाहें यहाँ रखना वरना लॉजिकों में खो जाओगे। एक तो रोटेशन को पहले याद रख लेना मेरे लाल, तुमको रोटेशन याद नहीं रहते। ये जो रोटेशन होता है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, ये क्लॉकवाइज होता है। और ये जो रोटेशन होता है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां पर चेक करो, सबसे पहले ये लाइन एक स्ट्रेट जा रही है, ये वाला जो 45 डिग्री पे एंगल मिल रहा है वो तुमको कौन सी डायरेक्शन मिल रहा है? क्लॉकवाइज में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये वाला जो मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है तुमको? एंटी क्लॉकवाइज पे मिल रहा है। यहाँ ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये 45 वाला कहाँ मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज पे मिल रहा है। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ ये 45 डिग्री वाला कहाँ मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज पे मिल रहा है। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये 45 डिग्री वाला एंटी क्लॉकवाइज पे मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वन इज द डिफरेंट, बाकी सारे के सारे अलग है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हैं, बाकी सब गड़बड़ कर दिए हैं। चलते हैं आगे की तरफ, 23rd का आंसर बताइएगा। कंफ्यूज तो हो गई अगर एंगल का पता नहीं है तो, सीधे सीधे एंगल लगाओ आंसर आ जाते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। इसका आंसर बताओ नेक्स्ट का, नेक्स्ट का आंसर कितना बनेगा? इसका आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बी होगा, सेकंड होगा, सारे सेकंड वाले दिख रहे हैं, सारे बी बता रहे हैं। बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, देख लो यहां पे क्या बन रहा है। ये फाइव लाइन अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5, और अंदर कितना है? 1 2 3 4 5 6। यहां देखो 1 2 3 4, अंदर 1 2 3, यहां 1 2 3, अंदर 1 2 3 4, ये आपका है 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4 5, ये दे रखे हैं मेरे को 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बाहर कम है, बाहर 5 है, अंदर 6, बाहर 5 अंदर 6, इसमें बाहर 4 अंदर 3, मतलब बाहर ज्यादा अंदर कम, बाहर कम अंदर ज्यादा, बाहर कम अंदर ज्यादा, बाहर कम अंदर ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट होगा, जिसमें उल्टा दे रखा है, बाहर बड़ा लाइंस का अरेंजमेंट है, ज्यादा लाइंस का अरेंजमेंट है, अंदर कम लाइन का अरेंजमेंट है, बाकी सब में उल्टा दे रखा है। बी के अलावा बाकी सब में उल्टा दे रखा है, बाहर जो फिगर है उसमें कम लाइंस है, अंदर जो फिगर है उसमें एक लाइन ज्यादा है, बाहर वाली फिगर में कम है, अंदर वाली फिगर में एक लाइन ज्यादा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट हो जाएगा, बी बिल्कुल अलग होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ, ये वाला, इसमें कोई डाउट हो तो क्लियर करो अभी। ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट होगा, क्योंकि बी के अंदर बाहर वाली फिगर में ज्यादा लाइंस है, अंदर वाली फिगर में कम है, बाकी सब में उल्टा दे रखा है, वाइस वर्सा इसका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना, इस पॉइंट पे बता दो मेरे को, 22 को रिपीट कर दो सर एक बार। चलो 22 को रिपीट कर देते मेरे दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूं एंगल की समझ रख लो, और फिर भी तुम लोगों का एंगल पे ध्यान बिल्कुल नहीं है। जैसे ही एंगल वाला क्वेश्चन आता है, कभी एक क्वेश्चन एंगल वाला ऐसा नहीं रहा कि एक बार में समझ में तुम्हारी आए, रोटेशन और एंगल पे इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि एक बार में कभी वो क्वेश्चन तुम्हें समझ ही नहीं आता। मैंने कहा हर किसी में एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री पर फिगर्स है, हर किसी में है, हर किसी में है एक सीधी फिगर, है कि नहीं है? देख ली सब में, सब में देख ली। तो इस सीधी फिगर से जो आपका 45 डिग्री के 45 डिग्री के कोण पर जो फिगर जा रही है,
वो जब मैं इससे ढूंढूंगा तो मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगी, ये डायरेक्शन कहलाती है आपकी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। यहां वाली फिगर से जब मैंने वो 45 डिग्री वाली देखी तो मुझे मिली इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज। यहां वाली फिगर में मिली मुझे ये डायरेक्शन कहलाती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। यहां वाली फिगर में मिली ये कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज, और यहां वाली फिगर में मिली ये कहलाती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो बाकी सब में एंटी क्लॉकवाइज में मिली है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट होगा, फर्स्ट वन इज द डिफरेंट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे के सारे डिफरेंट हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बताइएगा भाई जल्दी से। क्लियर है कि नहीं है? हां कि ना? चले आगे। 25 करिएगा, सॉरी 24। हरपाल टेलीग्राम पे चले जाओ, सर्च कर लो साहिल सर रीजनिंग, ठीक है? जाओ, इसका आंसर बताइएगा भाई। इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्त? ट्वेंटी फोर का ए, 24 का सी, 24 का डी। ए सी और डी आ चुका है आंसर के अंदर। ए या सी दोनों नहीं है, दोनों गलत हैं। ए आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है। अच्छा देखो, एक चीज समझो, फिर वही है, रोटेशन है तो रोटेशन आएगा और तुम सही कर दो एक बार में, कैसे कर दोगे? जब समझाओ तो हमको सब आता है, और ना समझाओ तो दोबारा बताओ। एक बार समझो, रोटेशन इसमें भी लग रहा है। ये जो स्क्वायर बन रहा है वो ऐसा स्क्वायर बन रहा है, पहली फिगर में अगर देख पा रहे हो, पहली फिगर का जो स्क्वायर है वो ऐसा स्क्वायर है, और दूसरी फिगर का जो स्क्वायर है वो ऐसा स्क्वायर है। अगर नोटिस करना आ रहा हो तो ये दोनों दिख रहे होंगे आप सबको, दिख रहा है? दोनों फिगर दिख रही है। पहली फिगर का जो स्क्वायर है वो ऐसा है, दूसरी फिगर का स्क्वायर ऐसा है। दैट्स मीन कि ये वाला स्क्वायर 45 डिग्री रोटेट करा है, 45 डिग्री घूमेगा तब ऐसा बन पाएगा। 45 डिग्री घूमेगा तो ऐसा बन पाएगा। अगर 45 डिग्री घूमेगा तो यहां पर जो पेंटागन बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। अगर ऐसा पेंटागन बन रहा है तो ये 45 डिग्री घूमने के बाद कुछ ऐसा पेंटागन दिखाई देगा बाहर, और अगर ऐसा पेंटागन दिखाई देगा तो सीधी सी बात है कि पहला वाला आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर हो सकता है, तीसरा वाला आंसर नहीं होगा, चौथा आंसर हो सकता है, और पांचवा वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, या तो आंसर दूसरा होगा या तो आंसर चौथा वाला होगा। अब दूसरे और चौथे में अगर आंसर होगा तो सीधी सी बात है कि हमने चेक कर लिया कि ये ट्रायंगल जो था वो 180 डिग्री रोटेट होकर अंदर आया था, 180। तो अगर इस वाली फिगर को आप 180 डिग्री रोटेट करोगे, इस फिगर को अगर आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो यही बनेगी। 180 डिग्री घूमने पर यही बनेगी, 90 पे भी यही बनेगी, 180 पे भी यही बनेगी, 270 पे भी यही बनेगी, क्योंकि चारों कोने बराबर है। तो 90 के मल्टीपल में घुमाओगे सेम फिगर बनेगी। अगर सेम फिगर बनेगी तो एज इट इज आपको अंदर देखने को मिलेगी। यहां 45 डिग्री रोटेट कराए तो गड़बड़ है, यहां आपको एज इट इज मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, जितने लोगों का डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अंदर वाला 45 घूम रहा है और बाकी बाहर वाला 180, बिल्कुल करेक्ट उपासना, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत? क्लियर हो रहे हैं? क्लियर हो रहा है तो लाइक वाइक करके चलो अपने आप से, है ना? चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का। इसका आंसर आप लोग मेरे को दे सकते हो कहां? कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट में आप इसका आंसर कर सकते हो। सबके आंसर चाहिए मुझे, जितने लोग आंसर करेंगे उनके नाम मैं कल बताने वाला हूं। और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ना ले पाओ तो एक काम करो, वीडियो को दोबारा से चलाना, यहां लाके पॉज करना, पॉज करके आंसर निकाल देना, ठीक है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ना? चलिएगा भाई, तो इतना क्लियर होगा सबको, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे मैं चलता हूं तो मैं चाहूंगा सारे लोग पहले वीडियो को लाइक कर लो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अपने फोन अपने लैपटॉप पे चेक करो कि आपने अभी तक सेशन लाइक किया कि नहीं किया है। और जिन्होंने शेयर नहीं किया था भाई, टाइम याद रखो, सुबह 10 बजे क्लास होती है, तो बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो आप लोग।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सबको कर लेना है, सारे के सारे सब्सक्राइब जरूर दिख जाए मेरे को, है ना, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। गुरुदेव यादव जी आप बहुत लेट हो गए हो मेरे दोस्त, एफकेट में रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 32 और मैक्सिमम 35, ठीक है ये आते हैं दोस्त, चलिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं एफकेट का एक नया बैच आपका आने वाला है, जो स्टार्ट होगा, आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है एफकेट का, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है गूगल बाबा की शरण में, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, आप सिंपली आओ गूगल बाबा की शरण में, यहाँ के आप टाइप adda247.com सर्च कर लो, गूगल पे जाके सर्च कर लो adda247.com, और अगर आपके पास अगर एप्लीकेशन है तो और बेहतर होगा, ठीक है। इस पर सर्च करने के बाद आप नीचे की तरफ जब आते हो तो यहाँ पर आपको एक डिफेंस का सेक्शन दिखेगा, डिफेंस पे क्लिक करो, और डिफेंस पे क्लिक करने के बाद एफकेट पे क्लिक करो, एफकेट पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा ये सुपर सोनिक एफकेट बैच जो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, कब से, 3 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको क्लिक करोगे, 9,000 रुपये इसकी कीमत है आपकी, 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, पूरा स्टडी प्लान यहाँ पर क्लिक है कि कौन सी क्लास होगी, कब होगी, कौन टीचर पढ़ाएगा, कितने बजे पढ़ाएंगे, पहली क्लास मेरी ही है 12 से 1 जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा रीजनिंग का 3 तारीख को, तो हर एक डे वाइज में पूरा शेड्यूल है, इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी इसमें आपको 9,000 रुपये पे नहीं करने हैं, जितने लोग एफकेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए व्यू ऑफर पे जाओ, क्लिक करो व्यू ऑफर, व्यू ऑफर पे जाने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपसे आईडी एंड ऑल की डिटेल्स मांगेगा, और यहीं पर आपसे एक पूछा जाएगा आपका कूपन कोड, है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, Y274 लगा लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो। ईमेल आईडी पे आप अपना ईमेल आईडी टाइप करना, जो भी आपका ईमेल आईडी है, जो भी आपका ईमेल आईडी आप उसको टाइप कर सकते हो, ठीक है, जो भी है लाइक, ठीक है, और कूपन कोड में आपको लिखना है Y274 जैसे आपने लगाया तो अप्लाई होने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, आप कंटिन्यू करके वाई नाउ करके परचेस कर सकते हो 2,000 रुपये के अंदर अंदर, तो 2,000 रुपये में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, जिसको भी लेना है परचेस कर सकते हो अभी जाके, ठीक है। कोड मैं आपके सामने लिख देता हूँ Y274 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, इसको लगा लेना। तो मुलाकात करते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैच में आ जाओ, एनरोल करा लो, सीटें लिमिटेड है इसके अंदर, सुपरसोनिक बैच है, थर्ड बैच है आपका, सारा कोर्स आपको बेसिक से कराया जाएगा, तो नमस्कार प्रणाम जय हिंद, मिलते हैं कल।